अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेंडिंग मशीन्स सो दिस इज द रिटेलिंग थ्रू वेंडिंग मशीन्स इस केस के अंदर रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है थ्रू द वेंडिंग, so, वेंडिंग मशीन सो वेंडिंग मशीन इट सेल्फ इज ए रिटेलर इन दिस केस बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं आज के दिन में विच आर सेलिंग थ्रू दीज वेंडिंग मशीन्स जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बेवरेजेस के हवाले से सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से जूसेस के हवाले से सो so ये वो प्रोडक्ट है बेसिकली या चॉकलेट स्नैक्स क्रिस्प निबल्स ये वो प्रोडक्ट कैटेगरीज है जो कि इन जनरल आपको सेल होती नजर आएंगी थ्रू दी वेंडिंग मशीन्स हाउएवर यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको मूवी टिकट्स और इस तरह की बहुत सारी नॉन फूड अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज भी नजर आएंगी जो कि रिटेलर सेल करता है थ्रू दी वेंडिंग मशीन्स हमारे पास आप जब बात करेंगे वेंडिंग मशीन्स के हवाले से तो आपको ज्यादातर वेंडिंग मशीन्स नजर आएंगी इस तरह का बिजनेस नजर आएगा ऑन दी एयरपोर्ट्स ऑन दी रेलवे स्टेशन मेट्रो बस सिस्टम के ऊपर बस स्टॉप्स के हवाले से इसी तरीके से आपको नजर आएगा स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इस तरह के जगहों के ऊपर स्पेशली इन द यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्कूल्स के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये तमाम वेंडिंग मशीन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी सेट वहां पर की हुई है न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेंडिंग मशीन के अंदर यस फूड प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जो सेल हो रही हैं जिस तरीके से डीवीडी की वेंडिंग मशीन है वे यू कैन ऑप्टेन डीवीडी जिस तरीके से आर्ट वर्क की है मैं भी आगे आपको आग एग्जांपल भी शेयर करता हूं लेकिन जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है इस टाइम के ऊपर वो है सेलिंग कार्स थ्रू दी वेंडिंग मशीन्स अब यह बिल्कुल नी रिसेंट कॉन्सेप्ट है जो कि वेंडिंग मशीन्स के अंदर आया था इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट था सेलिंग गोल्ड थ्रू वेंडिंग मशीन लेकिन आज के दिन में जो वेरी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है वो सेलिंग कार्स वेंडिंग मशीन है ये क्या है सबसे पहले मैं आपको जब एग्जाम्पल की तरफ आऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन कि ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले एग्जाम्पल मेरे पास है और अगर आप वो पिक्चर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा इट इज अ वेंडिंग मशीन जो कि गम्स को चुईंग गम को सेल करिए टू दी एंड कंज्यूमर नीचे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जहां पर यू कैन सी अगेन चॉकलेट सेलिंग बेवरेजेस सेलिंग टोबैको सेलिंग थ्रू वेंडिंग मशीन्स और इसी तरीके से देर कैन बी चिप्स क्रिस्प निबल और इस तरह की चीजें इन्हीं मशीन्स के थ्रू जहां पर कस्टमर एक कोइन या मनी या करेंसी इंसर्ट करेगा एंड ही विल गेट द प्रोडक्ट इन रिटर्न और ही विल आस्क फॉर द क्रेडिट एंड ही विल गेट द प्रोडक्ट इन रिटर्न इसी तरीके से मेरे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है विच इज अ यूनिक एग्जाम्पल जहां पर जर्मनी के अंदर यू कैन हैव द मोटर बाइक और मोटरसाइकिल ट्यूब्स टायर ट्यूब जो है वो आपको मिल जाती है थ्रू देंडिंग मशीन इनकेस इफ यू वॉन्ट टू बाई इट यू गो टू दैट मशीन एंड देन यू पे कैश और यू आस्क फॉर क्रेडिट एंड यू विल गेट यूर प्रोडक्ट इन रिटर्न इसी तरीके से एक वन ऑफ द यूनिक एग्जाम्पल हमारे पास आई हैव सीन इन यूर जो कि आपको नजर आएगी वेंडिंग मशीन के ऊपर वेट यू कैन हैव आर्ट वर्क डन ये वो मशीन है जहां पर यू कैन आस्क फॉर एनी पिक्चर एनी सीनरी एंड दे विल डू इट फॉर यू यू जस्ट असाइन देम एंड देन दे विल सेलेक्ट एंड दे विल डू इट आपको वो हैंड हैंडपेड के ऑप्शन के अंदर चाहिए आपको वो कलर पेंसिल के ऑप्शन के अंदर चाहिए आपको वो वाटर मार्क के ऑप्शन के अंदर चाहिए जिस भी ऑप्शन में यू आर लुकिंग फॉर आपको ये दे विल प्रोवाइड इसी तरीके से हमारे पास तीन एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर के ऊपर नजर आ रही हैं जिस तरीके से वेंडिंग मशीन ऑफ अ डीवीडी और अ सीडी इफ यू वांट टू बाय एनी मूवी एंड देन यू कैन हैव द डीवीडी फ्रॉम द वेंडिंग मशीन ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ पोस्टल टिकट वेंडिंग मशीन ऑल्सो यानी कि इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी पोस्टल टिकट यू कैन जस्ट गो टू दैट वेंडिंग मशीन एंड देन यू कैन ऑर्डर इट इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है फ्रेश जूस के हवाले से इस तरह की मशीन यू विल सी इन लॉट ऑफ द कंट्रीज जहां पर दे सी अ फ्रेश फ्रूट एंड देन यू कैन ऑर्डर अ फ्रेश जूस एंड दे विल इंश्योर कि आपको लेट्स किनोज और फाइव ऑरेंज और फाइव एप्पल्स यू कैन गेट जूस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ नंबर काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंडिंग मशीन हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है वो यूनिक एग्जाम्पल जिस तरह मैंने शेयर की और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट दैट इज कार्स थ्रू सेलिंग थ्रू द वेंडिंग मशीन आपको एक पिक्चर नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कि इट इज एट फ्लोर वेंडिंग मशीन वेयर देर इज नो पर्सन लोग मौजूद नहीं है ओनली यू ऑर्डर योर कार क्योंकि मेजोरिटी केसेस के अंदर ये बात बताना बहुत जरूरी है वेन एवर द मार्केट गेट मेचोर लोग कम प्रेफर करते हैं कि आप उनको गाइड करें आप उन्हें ब्रीफ करें प्रोडक्ट के बारे में वो ऑलरेडी इक्विप होते हैं नॉलेज के हवाले से वो ऑलरेडी इक्विप होते हैं जहां उन्हें चाहिए उसके हवाले से दे डू नॉट वॉन्ट एनी वन के वो इंटरप्ट करें दैट इज वाई वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बड़ी कैटेगरीज के अंदर भी हो रहा है सो so कस्टमर इस वेंडिंग मशीन के पास जाएगा और ही विल ऑर्डर द कार ही इज लुकिंग फॉर वो गाड़ी ऑर्डर करेगा एंड ही विल गेट द कार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेंडिंग मशीन विच इज एट फ्लोर वेंडिंग मशीन तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम दिल वेंडिंग मशीन ऑफ अ कार विच इज कारवाना ए ह्यूज कॉन्सेप्ट जो के की मौजूद है एग्जाम्पल मौजूद है सेलिंग की तमाम मेचोर मार्केट के अंदर वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉल करता है तमाम इमेच्योर मार्केट्स के अंदर या अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर या ग्रोइंग मार्केट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको कम नजर आएगा बिकॉज कस्टमर सर्विस ढूंढ रहा है कस्टमर को पर्सनल इंटरैक्शन चाहिए कस्टमर चाहता है कि उसको कोई गाइड करे कोई ब्रीफ करे जो कि सिचुएशन नॉर्मली इस तरह की वेंडिंग मशीन के केस के अंदर के एग्जिस्ट नहीं करती तो जब भी आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना है इन एग्जाम्पल्स को वो बेशक सेलिंग कार्स थ्रू वेंडिंग मशीन है सेलिंग गोल्ड थ्रू वेंडिंग मशीन है सेलिंग कार ट्यूब्स है या मोटर बाइक ट्यूब्स हैं या बाइसिकल ट्यूब्स हैं पोस्टल सर्विसेज हैं और एनीथिंग सीडी डीवीडी जूसेस एनीथिंग यू वांट टू बाय तो आप इन एग्जांपल्स को अपने सामने लेकर आए दे विल हेल्प यू रियली इन अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दीज वेंडिंग मशीन